आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में फिर से सीआरयू के बारे में बताऊंगा कि आपको लोकल ट्रेड एक्सचेंज पर सीआरयू को कैसे बाय करना है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर यहाँ पर जो यूएसडीटी ले जाते हैं, इसके बाद में वहाँ पर पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ पर शो ही नहीं होता है जहाँ पर हम ट्रेड करने जाते हैं। तो मैं वही स्टेप बताने वाला हूँ कि यहाँ पर शो कैसे होता है और कैसे यहाँ पर शो नहीं होता है, तो वहाँ पर शो हो इसलिए आपको क्या करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो फिलहाल मैं अभी कॉइन मार्केट कैप पर भी लिस्ट हो गया है, आ चुका है सीआरयू। तो अभी बाई करने का अच्छा मौका है। पहले भी ये 10 रुपये, 12 रुपये, 15, 20 और लोगों ने बहुत ही हाई रेट पर उसको परचेस किया। तो अभी जिन लोगों ने पहले परचेस किया था, अभी उसका मतलब अभी वो लॉस में है। तो अभी आप और सीआरयू लेकर उसे एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितने आपने पहले लगाए थे उतने ही अगर और लगा देते हैं तो आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही और एक्सचेंज पर आ जाता है, P2P, B2B, बाइनेंस एक्सचेंज, तो बाइनेंस एक्सचेंज पर जैसे ही आएगा वैसे ही इसका रेट और भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका रेट आसमान में पहुंच जाएगा, लेकिन डिमांड जैसे ही बढ़ती जाएगी, यूजर बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर सीआरयू का रेट भी बढ़ता जाएगा। एक बार मैं बैठा था और मेरे पास एक लीडर का फोन आया। उस समय सीआरयू कहीं पर भी लिस्ट नहीं था, सिर्फ ये बात चल रही थी, मतलब ये सॉरी यूनिटेक्स एक्सचेंज पर ही बात चल रही थी, उस समय ट्रेड भी नहीं हो रहा था। तो उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि आप अपने सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने कहा क्यों, मैंने तो कन्वर्ट नहीं किया अभी। तो कहीं देखिए, अगर नहीं करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। बताओ, मतलब इन्वेस्ट आपने किया और चिंता मुझे हो रही है। ठीक है, तो आप कर लीजिए उसमें। मैंने उनकी बात सुनी लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, मैंने मतलब कन्वर्ट नहीं किया, मैंने सीआरयू को सीआरयू में ही रहने दिया। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी अगर जिन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा होगा यदि मेरे पास सीआरयू होता तो मैं उसे आसानी से अभी सेल कर सकता था। और काफ़ी लोगों ने उसे 10 रुपये 12 रुपये में उस सेल किया जब उनका अनब्लॉक हुआ और कहा गया कि आप WCRE में कन्वर्ट कर लीजिए, इसका बहुत रेट जाएगा, हाई जाएगा। अभी वो लिस्ट नहीं है कहीं पर, ऑलरेडी अभी सीआरयू 5-6 एक्सचेंज पर आ चुका है, बाइनेंस पर भी आएगा, बात चल रही है, अगर आ जाता है तो अच्छा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ट्रेड का भी मजा ले सकते हैं सीआरयू में। और मैं भी अगर WCRE में कन्वर्ट कर लेता तो ऐसे ही बैठा रहता, मैं भी ऐसे ही धूप में देखता कि कब छाव आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे लोकल ट्रेड एक्सचेंज या कोई और एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, सभी में अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक अलग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है एक्सचेंज का, वो बहुत अच्छा है, काफ़ी समझने वाला है। जहाँ पर काफ़ी एक्सचेंज के जो डिजाइन्स होते हैं समझ में नहीं आते कि कहाँ पर क्या करें, तो अगर विंडो पे आप ओपन कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से वहाँ पर पता चल जाएगा। और यदि मोबाइल में आप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर विंडो डेस्कटॉप पर ओपन कर लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से वहाँ पर समझ में आ जाए। तो इस तरह का ओपन होगा और यहाँ पर देखिए बाई क्रिप्टो ट्रेड और ये सब ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेड फास्ट एक्सचेंज, क्लासिक स्पॉट ट्रेडिंग, प्रो स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पर दो ये अलग अलग डिजाइन दी गए हैं जिसमें अलग अलग तरह का दी। तो अभी मैंने ये क्लासिक स्पॉट ट्रेडिंग ओपन कर रखा है। अगर इसको प्रो स्पॉट ट्रेडिंग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन होगा, इसमें डिजाइन कुछ इस तरह से होगी, यहाँ बाई सेल का यहाँ आएगा, बाई का इधर, सेल का इधर। ठीक है, और यहाँ पर ये चार्ट आएगा, कैंडल चार्ट। और ट्रेड पे जाकर ये क्लासिक स्पॉट ट्रेडिंग ओपन करेंगे तो इस तरह का आएगा, यहाँ पर कैंडल चार्ट आएगा, यहाँ पर पूरी लिस्ट आएगी। ठीक है, मार्केट हिस्ट्री आएगी, यहाँ पर बाई सेल का यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये सारे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर बुक आएंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये वॉलेट आपको नजर आ रहा होगा, वॉलेट बैलेंस, मार्जिन, डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रॉल हिस्ट्री, कोर्स, और ये ऑर्डर, ऑर्डर एक्टिव ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री। तो जो आपने ट्रेड कर ली वो ट्रेड हिस्ट्री में आपको दिखेगा, ऑर्डर हिस्ट्री जो आपने ऑर्डर लगाए होंगे तो वो ऑर्डर हिस्ट्री में दिखेगा, एक्टिव ऑर्डर है जो एक्टिव ऑर्डर में दिखेगा, आपने ऑर्डर अगर लगा रखा है। ठीक है, तो
यहाँ पर देखिए वॉलेट पर आप क्लिक करेंगे, बैलेंस पर क्लिक करेंगे। बैलेंस पर क्लिक करने के बाद अगर आप जैसे बैलेंस पर क्लिक किया, अब ये सारा चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह ये सब ऑप्शन दिख रहे हैं, बैलेंस, मार्जिन, हिस्ट्री, एक्टिव वाटर, सपोर्ट, सिक्योरिटी। तो यहाँ पर अभी सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर सबसे ऊपर क्रिप्टो यूनिट दिख रहा है जिसका बैलेंस है अभी यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे आपको लेना है यूएसडीटी पेयर में यहाँ पर ट्रेड होता है, तो यहाँ पर देखिए यूएसडीटी मेरे 10.2 यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अभी ये ट्रेड वॉलेट में ही पड़ा हुआ है, देखिए ट्रेड वॉलेट में ही ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और टोटल ये बैलेंस सीआरयू का है और ये टोटल बैलेंस यूएसडीयू का, यूएसडीटी का है, सॉरी, ओके ट्रेडर। तो यहाँ पर ये एरो का बटन दिया गया, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अभी ट्रेड ट्रेड वॉलेट में है, तो मेन वॉलेट में मुझे करना है, तो मैक्सिमम 10.2 है ये मेन वॉलेट में चला जाएगा। तो मेन वॉलेट से आप कहीं भी इसे सेंड कर सकते हैं दूसरे एक्सचेंज पर, जब ये मेन वॉलेट में आ जाता है। जब आप ट्रेड वॉलेट में इसे ले जाते हैं तो आप उसे कहीं सेंड नहीं कर सकते हैं, सेंड करने के लिए आपको मेन वॉलेट में ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूएसडीटी के सामने ही डिपॉजिट और विड्रो के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट और विड्रो, यदि डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट पर क्लिक करके वहाँ पर आपको डिपॉजिट पर जैसे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल ये मेन वॉलेट में ये अभी पड़ा हुआ है, मैंने किया अभी। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन नेटवर्क आपको मिलेंगे, यूएसडीटी ERC20, BEP20, TRC20, बाइनेंस नेटवर्क ये यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मैं बता दूँ, अगर ERC20 में आप डिपॉजिट करते हैं तो बाइनेंस एक्सचेंज से आप डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर 15-16 जो भी चार्ज है वो कटेगा, एक यानी जितने भी आप लाएंगे 50 USDT लाते हैं तो 15-16 USDT तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको BEP20 या TRC20 का यूज करना पड़ेगा। अगर TRC20 का यूज करेंगे तो वहां पर 1 ही डॉलर कटेगा ट्रांजेक्शन चार्ज, लेकिन अगर BEP20 में आप करते हैं तो वहां पर 15-16 रुपये और भी आपके बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0.08 डॉलर ही वहां पर कटेगा, ठीक। तो आपको BEP20 सेलेक्ट करना है वहाँ, और यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, उस एड्रेस यानी बारकोड आ जाएगा और वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। तो वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके ले जाएंगे बाइनेंस एक्सचेंज पर, बाइनेंस एक्सचेंज से जितना भी आपको यहाँ पर USDT चाहिए यहाँ पर सेंड कर देंगे, फिर वो USDT आपके यहाँ पर नज़र आ जाएगा, जो ये 10.2 दिख रहा है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ऑन ट्रेड में अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑन ट्रेड में अभी कुछ नहीं है। तो ऑन ट्रेड में कैसे ले जाना है, यहाँ पर आपको देखिए बैलेंस पर जाएंगे, ये प्रोफाइल है और ये बैलेंस है, तो बैलेंस पर क्लिक करेंगे। बैलेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आ गया, तो ये यूएसडीटी के सामने ही ये 10.2 लिखा एरो बना हुआ है, क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये ट्रेड टू ट्रेड पर अभी ले जाना है, तो मैक्सिमम यानी पूरा का पूरा ले जाना है, ट्रांसफर पर क्लिक कर दिया तो चला गया ये ट्रेड में। अभी जाकर यहाँ पर कहाँ पर देखेंगे, बैलेंस डिपॉजिट पर जाएंगे और देखेंगे, तो देखिए ऑन ट्रेड में आप 10.2 पड़ा हुआ है और अवेलेबल में 0 हो गया है, ठीक है। तो टोटल बैलेंस यहाँ पर, इन ऑर्डर में अभी कुछ नहीं है, जब हम इसका ऑर्डर लगाएंगे तो इन ऑर्डर में भी शो होगा, ठीक है। सारा चार्ट यहीं पर शो होता है। अभी इसके बाद में अभी हम मुझे क्या करना है, अभी जाना है यहाँ पर देखिए वाई क्रिप्टो दिया गया है, ट्रेड और डेफी लैब दिया, तो ट्रेड में क्लिक करेंगे, क्लासिक स्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्लासिक स्पोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे कैंडल चार्ट जो भी यहाँ पर प्राइस है वो सारा यहाँ पर शो होगा। तो अभी बाई करना है मुझे, बाई करना, तो यहाँ पर 10.2 USDT दिया गया है जैसा कि मैंने बताया वैसे ही करना है यहाँ पर। तो अभी जो भी रेट है वहाँ पर, तो 507 यहाँ पर 10.2 USDT में अभी आ जाएंगे, तो हमें पूरा का पूरा नहीं लगाना है क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रेड नहीं हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा छोड़ देना है। और अभी यहाँ पर देखो कितना रेट दिया गया, 0.02, तो यहाँ पर 5 निकाल दें, तो 0.02 यहाँ से हमें लगा देना ट्रेड पर, 100% यहाँ सेलेक्ट कर लेना है सारा का सारा। तो यहाँ पर कुछ हमें CRU है वो छोड़ देना है ताकि हमारा USDT कुछ बच जाएगा, ओके। तो 10.18 यहाँ पर बचा जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 508 CRU आ जाएंगे, तो बाई पर क्लिक कर देते हैं।
कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। अभी देखिए वो ट्रेड पर लग चुका है, तो अभी वो देखने के लिए क्या करेंगे, ये ऑर्डर है, एक्टिव ऑर्डर पर जाएंगे। एक्टिव ऑर्डर में दिखेगा ये देखिए 14:32, 8 सेकंड सीआरवी वैलिडिटी लिमिट बाई 0.2508 कंप्लीटेड, अभी नॉट कंप्लीटेड, यहाँ 0 लिखा है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस पर जब आप जाएंगे, इसके बाद में डिपॉजिट पर आप क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इन ऑर्डर में अभी लगा हुआ है। अब अन ट्रेड में देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया है, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फिर कंप्लीट कभी नहीं होता, कभी हो जाता है, इसलिए अवेलेबल में अब कुछ नहीं है क्योंकि मैंने सारा ट्रेड में ही कन्वर्ट कर दिया था, चेंज कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरह अब ये मेरा जैसे ही वहाँ पर थोड़ा बहुत माइनस प्लस में मार्केट होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री पर वहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर 16:49 पर ये जैसा कि कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ जैसे ही कंप्लीट होता है 508 का, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर खरीदना है, और कहीं दूसरी जगह अगर ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, बैलेंस पर जाते हैं। बैलेंस पर जाने के बाद यहाँ पर जो ट्रेड पर पड़ा हुआ है, मेन में नहीं है, तो ये जो एरो बटन पर क्लिक करेंगे और इसको मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भी करना है ट्रांसफर पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा मेन वॉलेट में आ जाएगा। ये देखिए आ गया, अब इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो विड्रो पर क्लिक करेंगे, विड्रो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए क्रिप्टो यूनिट, और यहाँ पर जिस जहाँ भी ले जाना है तो यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, और यहाँ मेमो डाल देंगे, और यहाँ पर सीआरयू क्वांटिटी डाल देंगे। अगर फ्यूचर के लिए वो एड्रेस सेव करना है तो सेव पर, टू सेव पर क्लिक कर देंगे और विड्रो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई कोड वगैरह नहीं आता है, ठीक है। तो ये यहाँ का आपका सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कैसे बाई होता है, तो वीडियो को बार बार अगर देखेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसके बारे में, ओके फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि ना आया हो तो बार बार देखिए, फिर भी ना आया समझ में तो आप कमेंट कीजिए कि कहाँ पर समझ में नहीं आया। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप रेफर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 5 लेवल तक का इनकम प्लान मिलता है लोकल ट्रेड एक्सचेंज से ही, जहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डाउन में बहुत सारी टीम बन जाती है, वो लोकल ट्रेड में अगर ट्रेड भी करती है तो भी आपका इनकम यहाँ से जनरेट होता रहेगा, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।